इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ लड़के कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करते दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये तस्वीरें सामने आई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है, जहां पर कार पर स्टंट करते कुछ लड़के दिखाई दिए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और तमाम लड़कों पर कार्रवाई का भरोसा पुलिस की तरफ से दिया गया है। ईरान और इसराइल के बीच बना हुआ तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार मोसाद के चीफ ने यह दावा किया है कि ईरान दूसरे खाड़ी देशों पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है, जो बहुत बड़ा हमला हो सकता है। मोसाद के चीफ की ये धमकी इसलिए अहम है क्योंकि दो महीने पहले सऊदी अरब ने भी ऐसी ही आशंका जताई थी। उस वक्त सऊदी अरब की खुफिया एजेंसियों ने ये इनपुट अमेरिका के साथ साझा किया था। कई हफ्ते तक अमेरिका और सऊदी अरब की फौज चौकन्ने भी रहे। दावा किया गया था कि इराक और सऊदी अरब के कई शहर ईरान के निशाने पर हैं। अब मोसाद ने भी ऐसी ही आशंका जताई है। इसराइल का दावा यह है कि ईरान की फौज अपने घातक ड्रोन और खतरनाक मिसाइलों को तैयार कर चुकी है। इन हथियारों के दम पर ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका है। मोसाद के खिलाफ ईरान ने भी एक जंग छेड़ी हुई है। पिछले डेढ़ महीने में ईरान का दावा है कि वो मोसाद से कई जासूसों को गिरफ्तार कर चुका है, जो ईरान में हिजाब विरोधी आग को भड़काने के काम में लगे हुए थे। मोसाद का दावा है कि रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और वो परमाणु बम बनाने के काफी करीब है। मोसाद के चीफ ने यहाँ तक कह दिया कि परमाणु बम और ईरान के बीच का फासला कुछ दिन का या कुछ हफ्तों का ही बचा है। मतलब ये कि कई सालों से ईरान के लिए जो डर इसराइल को सता रहा था, अब वो बेहद करीब दिखने लगा है। ईरान पिछले करीब तीन महीने से रूस की फौज को अपने खतरनाक ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान की मिसाइलों की सप्लाई भी रूस की फौज को की जा रही है, लेकिन इसराइल का मानना है कि रूस की मदद से कुछ खतरनाक मिसाइलें भी तैयार कर रहा है, जिनकी रेंज हजारों किलोमीटर होगी। ये ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी सप्लाई रूस की फौज को तो की ही जाएगी, ये मिसाइलें बाद में पश्चिम एशिया के लिए बड़ा खतरा साबित होंगी। और अब बड़ी खबर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उस बयान से जुड़ी हुई, जिस पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को भगवान राम बता दिया। सलमान खुर्शीद के इस बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। उन्होंने सलमान खुर्शीद के बयान को शर्मनाक बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। बार बार हिंदू आस्था पर इस प्रकार की चोट करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान, इस प्रकार से वो बर्ताव करती है। और आज जो तुलना उन्होंने की है उसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए।